भारत की सबसे खतरनाक रेल हादसा जो ओडिशा में हुआ है, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 900 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, हो सकता डेड बॉडीज इससे भी ज्यादा होगी, वो बाद में पता चलेगा। एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे? न्यूज और रेलवे के हिसाब से बोला गया है सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ये कुरुमंडल एक्सप्रेस पीछे में तेजी से आती है और सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से वो लूप लेन में घुस जाती है और आगे मालगाड़ी खड़ी हुई थी जिसे इतना कस के टक्कर मारती कि मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और पीछे की जो बोगी है वो बगल वाले ट्रैक यानी अपोजिट ट्रैक में जाकर गिर जाती है। आपको बता दें कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यहां से फिर एक दूसरा हादसा शुरू होता है। बगल वाली जो ट्रैक थी वहां पर एक दूसरी ट्रेन आ जाती है जो अपनी पूरी फुल स्पीड में थी क्योंकि उसे पूरी ग्रीन सिग्नल मिली थी। अब वो ट्रेन जब कुरुमंडल एक्सप्रेस के सामने आती है तो उसे बहुत तेज टक्कर मारती है क्योंकि उसे ग्रीन सिग्नल मिला था और वो अपनी फुल स्पीड में थी और ये टक्कर इतना खतरनाक था कि अपोजिट ट्रैक में जो ट्रेन आ रही थी उसके भी भाई 4 डिब्बे पलट जाते हैं। कुल मिला के ये बात हुआ कि एक के बाद एक ट्रेन एक दूसरे से टकरा जाती है जिससे बहुत ही बड़ा हादसा होता है और इन सब के बीच में इतने लोगों के साथ में हादसा हो जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि चाइना और जापान जैसे कंट्री के पास कवच सिस्टम है जिससे आपस में ट्रेन कभी टकरा ही नहीं सकती। 1 किलोमीटर दूर से ही ये GPS सिस्टम आगे वाली ट्रेन को डिटेक्ट कर लेता है और ट्रेन में ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है। कमाल की बात तो ये है कि ये सिस्टम 2022 में इंडिया के पास भी आ गया था पर उसे सिर्फ 3% ही इंस्टॉल किया गया था। अगर ये कवच सिस्टम इंडिया में पूरी अच्छी तरीके से इंस्टॉल किया जाता तो शायद आज इतना बड़ा हादसा होने से जरूर बच जाता और जितने भी लोग इस एक्सीडेंट में मरे हैं वो भी जरूर जिंदा बच जाते। बात अगर सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना।